गुड आफ्टरनून ऑल फ्रेंड्स। तो इस वक्त मैं हूँ अपनी दुकान नालंदा डेली नीड्स। तो आज हो रही है दुकान में सफाई। मेरे हाथ में देख सकते हैं आप लोग पोचा। तो एक स्टोर में मैं कर चुकी हूँ पोचा, अब पहुँच गई हूँ मेन जो मेरी दुकान है काउंटर वाली दुकान। तो अब यहाँ पे आ गई हूँ पोचा करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे करूंगी अपने कैमरे साफ, जिसको बोलते हैं तीसरी आंख। अगर तीसरी आंख साफ नहीं हुई तो मैं चोरों को कैसे पकड़ूंगी। तो इसमें ना बहुत गंदे हो गए कैमरे जो भी है ना। तो सबसे पहले तो मैं इसको निचोड़ लेती हूँ और फिर कैमरे देख सकते हैं आप लोग ऊपर कितने गंदे है कैमरे। तो दिखा जरा ऊपर कैमरे। वैसे थोड़ा एक बार मैं पोचा कर चुकी हूँ, इसमें सेकंड बार जा रही हूँ ऊपर। मैं दूसरा कैमरा साफ कर रही थी। तो ये मेरी सीढ़ी है जिसके ऊपर मैं जा रही हूँ अब दुकान पे। और कभी कभी भाई दुकान की सफाई भी बहुत जरूरी है, तो एक पैर वहां रख देती हूँ और एक पैर सीढ़ी के ऊपर। तो कैमरे हो गए हैं इतने गंदे कि पूछो मत, साफ नजर नहीं आ रही मुझे लोग। अगर मैं इनको साफ नहीं करूंगी, इनमें ना मक्खियों ने पॉटी कर करके दुखी कर दिया है। इतनी पॉटी की है ना मक्खियों ने इसके ऊपर कि पूछो मत भाई, खतरनाक। जो इसकी आंख है ना, आंख जो आंख का अंदर काला दाग जैसे मोती होता है ना मोती, उसी के ऊपर पॉटी की है। सबसे बड़ी बात तो ये है, पूरा इसको बंद कर दिया ताकि मैं किसी को देख ना सकूं। भाई चलाक मक्खियां भी देखो कितनी चलाक है आज की डेट में, इतनी चलाकियां करती है अपनी मम्मी के साथ। तो फ्रेंड्स तीसरी आंख को साफ तो कर दिया, लेकिन साफ करते करते दुकान में एक नुकसान भी कर दिया भाई। ये देखो नीचे क्या हो गया, देखो दिख रहा है ना आप लोगों को। तो ऊपर से जब मैं सीढ़ी को आगे ले जा रही थी तो सीढ़ी में फंस गई जी ये अमूल फ्रेश क्रीम का डब्बा, और ये नीचे आ गया, ठच करके नीचे गिरा और इसका पेट ही फट गया। तो ये देखिए पूरा बह रहा है अब नीचे इसका मालठाल। तो अब इसको भी कर लेती हूँ साथ में पोचा, मतलब एक काम के साथ दूसरा काम फ्री में आ रहा है और ऊपर से नुकसान भी हो रहा है। तो है ना खूबसूरत बात, वाओ।